फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माकी बावर्ची। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम मजेदार सी मटन ग्रेवी। उसके लिए आपको चाहिए बहुत ही यूनिक स्टाइल से, वो भी 300 ग्राम मेरे पास मटन है और हड्डी वाला गोश्त ले लिया है मैंने मिला जुला। यहाँ पे ले लेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में आप लेंगे इतना सी सिनेमन स्टिक, एक काली बड़ी इलायची और चार लौंग, दो से तीन हरी इलायची और तेज पत्ता। छोटा ले लिया है मैंने इसलिए दो लिए है, आप बड़ा एक ले लें। और यहाँ पे दो बड़ी साइज की प्याज इस तरह से कट कर ली है। इसमें घी से बनाऊंगी मैं, 1 टेबल स्पून घी ले लें। घी डालने के बाद उसमें डाल देंगे गरम मसाले, बस गरम मसाले थोड़े से बस भुन जाए उसमें डाल देंगे 1 से 2 सेकेंड। और यहाँ पे देख सकते हैं प्याज मैंने स्लाइस की हुई है, यहाँ पे 1 से 2 सेकेंड के लिए काफी है। और प्याज डाल देंगे, प्याज का बस कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद मैं गोश्त डाल दूंगी इसमें। प्याज का बस इतना सा कलर चेंज हो जाए उसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त डाल दूंगी मैं इसमें। ऐड करने के बाद बस गोश्त का कलर चेंज हो जाए तब तक पका लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त का पानी सूख चुका है और अदरक और लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है 1 टेबल स्पून के करीब। और इसको डाल देंगे और इसको भी अच्छे से 1 से 2 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। डालने के बाद अच्छा सा बस अरोमा आ जाए। इसके बाद डालते हैं मसाले। मसाले में आप ले लेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून से भी कम, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे आप, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बस। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला जल ना जाए इसके लिए आप डालते हैं, यहाँ पे डाल दें 2 टेबलस्पून दही। दही डाल देंगे और इसको बस मैं भून लूंगी मसाले को। डाल के मैंने पका लिया है 1 से 2 मिनट मसाले डालने के बाद। इसमें डाल देंगे रोस्टेड धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे आप टमाटर, एक बड़ा साइज का टमाटर मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, इसको डाल दें। इसको डाल के आपको बस थोड़ी देर 1 से 2 मिनट छोड़ देना है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं देख सकते हैं आप। इसमें डाल दें पानी 1 कप। पानी डालने के बाद इसका ढक्कन लगा दूंगी मैं, 1 से 2 विसल आ जाए बस गोश्त गल जाएगा आपका। गोश्त यहाँ पर गल चुका है देख सकते हैं आप, जैसे कि 2 से 3 या फिर 3 से 4 विसल ले लें। गोश्त का पानी देखिए पूरा सूख चुका है। और आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें, या फिर ऐसा ही सूखा ड्राई पसंद करते हो तो ऐसा ही रखें। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ रोस्टेड, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। बस लास्ट में आखिर में डालना है ये, और काजू का पेस्ट मैं यहाँ पर काजू का पाउडर 1 टेबलस्पून ये डाल रही हूँ। ये इसकी जगह आप बादाम या फिर खशखाश जो भी आपके पास हो वो डाल दें पाउडर उसका। इसको मिक्स कर लेंगे, आपकी ग्रेवी तैयार है मटन की। यहाँ पे आप इस तरह से रोटी के ऊपर सर्व करें। देखिए आप इस तरह से रोटी रख लें या फिर चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से सर्व करेंगे आप। इस तरह से बनाएं, ज़रूर खाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर करें। मटन ग्रेवी बना के ज़रूर खाएं।